हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि CBSE कितने मार्क्स तक का ग्रेस मार्किंग करता है और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें हमें ग्रेस मार्किंग मिल सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले यह जान लेते हैं कि कितने मार्क्स तक का हमें ग्रेस मार्किंग मिल सकता है। तो अगर हमें इंटरनल असेसमेंट और जो थ्योरेटिकल एग्जाम हुआ, इंटरनल असेसमेंट यानी 20 मार्क्स का और जो थ्योरेटिकल एग्जाम हुआ यानी कि 80 मार्क्स, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं और इन दोनों का मिला के अगर 29 नंबर आपका आ जा रहा है, जैसे 28 के बाद अगर नंबर आ जा रहा है, तो वहां पे आप लोगों को कम से कम 3 से 4 नंबर तक का ग्रेस मार्किंग किया जा सकता है। अब इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कितने सब्जेक्ट्स में हमारा जो नंबर है वो इतना के बीच आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब कि सब्जेक्ट्स वाइज कि कितने सब्जेक्ट्स तक हमें जो है ग्रेस मार्किंग मिल सकता है। तो अगर 2 से 3 सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ रहा है, 2 से 3 सब्जेक्ट जैसे कि अगर साइंस, मैथ्स या SST, इनमें से कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आ रहा है, 28, 29, 30 या फिर 31, 32 इतना के आसपास आ रहा है, तो आप लोग को वहां पे 3 से 4 नंबर, 5 नंबर तक का ग्रेस मार्किंग किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे भी कम आता है, 28 से भी कम आता है, जैसे 27 हो गया, 26 आ गया, और ऐसा आपका 3-4 सब्जेक्ट्स में अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर वहां पे मुश्किल होगा कि आप लोग को ग्रेस मार्किंग दिया जाएगा। किसी एक या फिर 2 सब्जेक्ट्स में कम नंबर आता है तो वहां पे ग्रेस मार्किंग देकर आपको अच्छे मार्क्स दे दिए जाते हैं। कम से कम 4-5-6 नंबर आप लोग को जो है ग्रेस मार्किंग कर दिया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश में हमारा एग्जाम अच्छा गया, अगर वहां पे 52 हम लोग का नंबर जो है अबव आ जाता है, इसके बाद मान के चले कि साइंस में एग्जाम खराब नहीं गया है, वहां पे हमारा जो नंबर है वो इंटरनल असेसमेंट और थ्योरेटिकल मिलाकर 28 या फिर 29 नंबर अगर आपका आ जाता है साइंस में, तो वहां पर ग्रेस मार्किंग आप लोग को मिल जाता है और आपको वहां पर पास कर दिया जाता है। लेकिन इंग्लिश में भी अगर नंबर कम आता है, साइंस में भी कम आता है, इसके बाद मैथमेटिक्स या फिर सोशल साइंस में भी, सारे मेन सब्जेक्ट्स में नंबर अगर हम लोग का कम आ जा रहा है, तो फिर ग्रेस मार्किंग नहीं किया जाएगा। एटलीस्ट आप लोग का 52 अबव दूसरे सब्जेक्ट्स में नंबर होना चाहिए, और अगर 1-2 सब्जेक्ट्स में हम लोग का नंबर अगर 28, 29, 30 के आसपास में रहता है, तो वहां पे 3-4 नंबर का ग्रेस मार्किंग कर दिया जाता है। तो ये था ग्रेस मार्किंग के लिए एक वीडियो। काफी स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि सर एक ग्रेस मार्किंग के लिए वीडियो बना दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसी तरह से कुछ जरूरी चीजों के बारे में जानेंगे। अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा, कोई चीज अगर आप लोग को पूछना होगा, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को उसका आंसर जो है इसी तरह से वीडियो बनाकर या फिर कमेंट्स में भी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।